मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महात्मा गांधी पर विवादित बयान देने वाले कालीचरण बाबा के खिलाफ मंत्री जितेंद्र वाट ने थाने के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि रायपुर में आयोजित कार्यक्रम धर्म संसद में संत कालीचरण ने महात्मा गांधी की आलोचना की और नाथूराम गोडसे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जिसके बाद देश भर में लोग गुस्से का इजहार कालीचरण बाबा के इस बयान पर कर रहे हैं। वहीं मंत्री जितेंद्र अवार्ड ने कहा है कि कालीचरण बाबा का ये बयान आपत्तिजनक और निंदनीय है और कालीचरण बाबा पर नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में मंत्री जितेंद्र अवार्ड ने FIR दर्ज करवाई है, जिन पर धारा 294, 295A, 298, 505, 2506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जो धर्म संसद हो रहा था, धर्म संसद में बात करते समय कालीचरण बाबा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में अपने मुंह से, जबान से जो अपशब्द निकले और उसके बाद महात्मा गांधी की हुई हत्या का समर्थन करते हुए गोडसे का अभिनंदन किया, इन सब बातों पे हमने आज गुनाह दाखिल किया है। और पिछले 20 दिनों से वो लगातार धार्मिक द्वेष फैलाने के लिए काम कर रहा है, वो भी हमने पुलिस के निर्देशन में लाया और उनके ऊपर आज FIR दाखिल किया। सर, हमें कहा जाता है हाउस में भी इस बारे में सनातन को बयान लाने के लिए नवाब मलिक ऐसा है कि मैंने कालीचरण बाबा के बारे में कहा है, मुझे अब राष्ट्र के प्रधानमंत्री और सभी माननीयवरों से निवेदन है कि हम जब भी बाहर गांव जाते हैं, देश के बाहर जाते हैं, तो हम पहला काम ये करते हैं कि जाके महात्मा गांधी के चरणों को नमन करते हैं। इस देश की पहचान महात्मा गांधी है। इस बारे में अब सभी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया और इन शब्दों का धिक्कार करना जरूरतमंद है।